दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अब तक केजरीवाल के नाम की घोषणा नहीं की है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्ली मारान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को पटपटगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, टीएस सिंहदेव और मधुसूदन मिस्त्री मौजूद थे। कहा जा रहा है कि दिल्ली में फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। निश्चित ही लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, हम भागने वालों में से नहीं है। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारे साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो लिस्ट में आप देखेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी लीडरशिप ने बहुत सोच विचार करने के पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी का, और मैं मेरे माननीय इंचार्ज साहब और सेक्रेटरीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज के बाद ये एक बेहतर 21 लोगों की जो है लिस्ट आज जारी होगी। कुछ दिनों पश्चात दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हम करेंगे।